हेलो एवरीवन, क्लास 12th यह चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट है। अभी तक आपने पढ़ा था रक्त का संगठन, रक्त के संगठन के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे रक्त के मुख्य कार्य, कि रक्त का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो नंबर एक है, पचे हुए आहार का वितरण करता है। नंबर दो, ऑक्सीजन का वितरण करता है। नंबर तीन, व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करता है। नंबर चार, रोगाणुओं का विनाश करता है। नंबर पाँच, शरीर के तापक्रम का नियमन करता है। नंबर छः, हार्मोन्स का वितरण करता है। नंबर सात, घावों की पूर्ति करता है। एंड लास्ट, ऊतकों को तर रखता है। रक्त के प्लाज्मा का कुछ भाग रक्त कोशाणुओं से रिस रिस कर निकलता रहता है। इस क्रिया से शरीर के ऊतक तर बने रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त का जमना या थक्के बनना। जब भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद यह ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो यह क्रिया रक्त का थक्का जमना कहलाती है। रक्त का जम जाना एक प्राकृतिक गुण है। यदि हम ताजे रक्त को एक प्याली में रख दें तो वह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और शीघ्र ही जमकर लाल अवलेह या जेली का रूप ले लेता है, तथा प्याली को उलट देने पर भी नहीं गिरता। इस क्रिया को रुधिर का जमना कहते हैं। जमने के कुछ ही मिनट पश्चात रुधिर सिकुड़ने लगता है और दो भागों में बढ़ जाता है। प्रथम भाग पीले रंग का पतला द्रव्य पदार्थ सीरम होता है, तथा दूसरा भाग पीले द्रव्य से तैयार हुआ लाल थक्का होता है। रक्त के जमने से कुछ लाभ होते हैं। रक्त का जमना रक्त के बहने या निकलने को बंद करने का एक प्राकृतिक साधन है। इस क्रिया का विशेष लाभ है, जब शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है अथवा कोई भाग कट जाता है तब शरीर से रक्त निकलने लगता है, किंतु थोड़ी देर बाद घाव या कटे स्थान का मुंह रक्त जमने की क्रिया से बंद हो जाता है और शरीर से जो रक्त निकलता है वह बहना बंद कर देता है। यदि रक्त में जमने का गुण नहीं होता तो शरीर में गहरे घाव होने पर या किसी रक्त नलिका के फट जाने पर रक्त निरंतर बहता रहता और इसका परिणाम यह होता कि व्यक्ति के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त बाहर निकल जाता, तथा शरीर में रक्त की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती। किंतु प्रकृति ने रक्त में जमने का गुण, थक्का बनने का गुण प्रदान किया है, इस प्रकार हानियां नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रक्त के प्रकार या वर्ग। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर प्रत्येक व्यक्ति का रक्त एक ही प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन मनुष्यों के रक्त के विभिन्न प्रकार या वर्ग हैं। रक्त के वर्ग या ग्रुप को जानने का महत्वपूर्ण कार्य महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। उन्होंने ज्ञात किया कि मनुष्यों में चार रुधिर वर्ग या ग्रुप पाए जाते हैं। रुधिर वर्गों के निर्धारण के लिए लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया कि व्यक्ति के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका कला तथा प्लाज्मा में एक खास प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। इन दोनों प्रकार की प्रोटीन्स का रक्त कणिकाओं के अभिश्लेषण से संबंध होता है। रक्त कणिकाओं की कोशिका कला में पाई जाने वाली प्रोटीन को प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। इससे भिन्न रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन को प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये दोनों ही वर्गों के प्रोटीन्स दो दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कला से संबद्ध प्रतिजन प्रोटीन के दो प्रकार हैं। अभी आपने पढ़ा एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है कोई समस्या या प्रॉब्लम। हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ जाता है। पैथोजन का मतलब होता है ऐसे जीवाणु विषाणु जो हमारी बॉडी में बीमारी को कॉज करते हैं, जैसे फैलाते हैं। हमारी बॉडी के पार्ट्स जैसे किडनी लिवर का खराब हो जाना उसमें भी एक प्रकार का एंटीजन हो सकता है।
एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, जबकि एंटीबॉडीज एंटीजेनिक होते हैं। एंटीबॉडी हमारी इम्यूनिटी की रोग प्रतिरोधकता होते हैं। तो यहाँ तालिका के माध्यम से समझेंगे रक्त वर्ग तथा संबंधित प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन। रक्त वर्ग या ग्रुप ए बी ए बी तथा ओ, एवं प्रतिरक्षी पाए जाते हैं बी और प्रतिजन पाए जाते हैं ए, तथा रक्त वर्ग बी में पाए जाते हैं प्रतिरक्षी ए तथा प्रतिजन पाए जाते हैं बी, और रक्त वर्ग ए बी में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते और प्रतिजन दोनों पाए जाते हैं। रक्त वर्ग ओ में ए तथा बी प्रतिरक्षी दोनों पाए जाते हैं और कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर वर्ग या रुधिर आधान। अनेक दशाओं में व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ऐसा तब होता है कि जब व्यक्ति को चोट लग जाए या रक्त वाहिनियाँ फट जाएं। इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए उसके शरीर में बाहर से रक्त डालना ज़रूरी हो जाता है। बाहर से रक्त को प्रवेश कराने की प्रक्रिया को रुधिर आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए किसी भी रुधिर आधान से पूर्व रक्तदाता तथा रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के रक्त वर्ग की समुचित जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होती है। विभिन्न रक्त वर्गों की प्रकृति एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही रक्त आधान का निर्णय लिया जाता है। इस दृष्टिकोण में ओ वर्ग का रक्तदाता सभी वर्गों के रक्त वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। ओ ग्रुप वाले व्यक्तियों को सर्वदाता वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार एवी वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, अतः एवी वर्ग वाले व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है। ओ वर्ग के व्यक्ति केवल ओ वर्ग के व्यक्ति से ही रक्त ग्रहण कर सकते हैं। एवी वर्ग का व्यक्ति केवल एवी वर्ग के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। ए वर्ग का व्यक्ति ए तथा ओ वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकता है तथा ए एवं एवी वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रक्त बैंक। रक्त बैंक वे संस्थाएं हैं जहां विभिन्न वर्गों के रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तथा दुर्घटनाग्रस्त या अन्य आवश्यकता की स्थिति में व्यक्ति को रक्त बैंक से अपने वर्ग के अनुकूल रक्त प्राप्त हो जाता है। रक्त बैंक मानव जीवन रक्षा के लिए वरदान तुल्य है।